सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। आज पलामू एमएमसीएच की सहियाओं का सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरना हुआ। सहिया ने कहा कि सिविल सर्जन पलामू के द्वारा उन्हें उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत करने के लिए बुलाया गया था, परंतु खुद सिविल सर्जन मौजूद नहीं है, जिसके बाद सभी सहियाओं ने सिविल सर्जन कार्यालय के गेट पर ही धरना दे दिया। धरने के माध्यम से सभी सहियाओं ने कहा कि उन्हें अस्पताल में कई लोगों के द्वारा दलाल कहा जाता है, उन पर कई आरोप भी लगते हैं, जबकि सहिया का कहना है कि यदि एमएमसीएच में सारी सुविधा होती तो अस्पताल के बाहर की दवा के लिए लोगों को नहीं जाना पड़ता। साथ ही कई लोग डिलीवरी वार्ड में सीधे आया जाया करते हैं। इसके अलावा सहिया भवन की भी मांग सहियाओं ने किया है। सर्जन सर बुलाए थे 28 तारीख को कि सब जब हम लोग को कुछ लोग का सर्वे समाप्त हो जाएगा उसके बाद मीटिंग रखेंगे, लेकिन जब यहाँ पर आए तो सिविल सर्जन सर नहीं थे। हम लोग को सिविल सर्जन से यही कहना था कि हमारी जो सहिया के बारे में निकाला गया है कि ला के ड्रेस में आना है और आई कार्ड के साथ में आना है और मरीज को ला के गेट तक छोड़ के चले जाना है, तो हमारी दो सहिया ने आई गेट तक छोड़ी और छोड़ के चली गई। तो जो हमारा प्रोत्साहन राशि जो मिलता है उसमें हमारी एनएम दीदी लोग सिग्नेचर नहीं थी, कारण कि सुपरिटेंडेंट सर लेटर निकाल दिए एनएम दीदी लोग के पास में कि जब सहिया यहाँ आएगी रजिस्टर मेंटेन करवाएगी उसके बाद ही सहिया जाएगी। तो दो तरह का क्यों लेटर निकल रहा है? एक तरह का लेटर निकलना चाहिए, या तो सहिया गेट तक ही छोड़ के जाएगी, नहीं जाएगी ऊपर तक, नहीं जाएगी मरीज को लेके, और नहीं तो ऊपर तक मरीज को जाएगी तो अपना सारा सुविधा दिवा के। जबकि सरकार की तरफ से हम लोग का गाइडलाइन मिला हुआ है कि जो भी हम लोग अपने गांव से मरीज को लेके आएंगे उसको पूरा स्वास्थ्य सुविधा दिवा के, यहाँ सरकारी लाभ दिवा के, और उसको ममता बहन हो चाहे अपना निजी गाड़ी से आओ उसको सुरक्षित घर तक पहुँचाना है। तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे गाँव की महिला को ला के हॉस्पिटल में छोड़ दें तो क्या हमारी गाँव की महिला फिर आएगी? अन्य तो हम लोग के साथ में नहीं आएगी कि नहीं दीदी आप तो छोड़ के चल जाती हैं। बहुत गांव की महिला है कि जो हर विभाग को नहीं देखिए, कहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, कहाँ जांच होता है, किस वार्ड में डिलीवरी होता है, ऐसे बहुत महिला नहीं जाती। इसकी सुविधा तो सहिया को रखा गया है ना, जागरूकता करने के लिए सहिया को रखा गया है कि सहिया को इसी तरह से छोड़ देने के लिए रखा, रहने के लिए वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारी जो भी हम लोग मीडिया में भी निकाले 4 दिन पहले, जिसके कारण वहाँ के सभी लोग हम लोग पर गुस्सा में है। पहले तो कुर्सी भी मिल जाता था बैठने के लिए, कहीं भी घुस के बैठ जाते थे, लेकिन अभी जाने के बाद बोले कि नहीं आप लोग को यहाँ बैठने के लिए सुपरिटेंडेंट सर मना किए हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे। पहले जहीं जहाँ भी मरीज हो या फिर जहाँ तहाँ जहाँ मरीज बैठते थे बाहर बैठ जाते थे, या दीदी लोग के रूम में भी चाहे तो बैठ सकते थे हम लोग। हम लोग करते थे जी नहीं, हेल्प डेस्क में तो नीचे है हेल्प डेस्क ना, तो हेल्प डेस्क तो सहिया भवन बनाने के लिए बहुत पहले ये फंड आ चुकी है, लेकिन आज तक हम लोग को सहिया भवन नहीं बना, ना सहिया का रेस्ट रूम निकला, क्योंकि जब रात को जब डिलीवरी लेके आएंगे 12 बजे रात को लेके आएंगे तो उस समय सहिया हमारी कहाँ जाएगी, उसमें तो वहाँ रहना है ना उसको। तो एक हम लोग को भवन बनाना बहुत जरूरी है, जो फंड आ चुका है सर और डीपीसी डीपीएम सर ये सब ये सुविधा हम लोग को नहीं दिया है। आज इसी कारण हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए थे कि सर के पास ये बात रख के और हम लोग को सहिया भवन बनना बहुत जरूरी है, और ये जो सहिया को जो छोड़ के मरीज को जो छोड़ के जाना है इस पर एक्शन ले, और मरीज को जैसे हम लोग 24 घंटा रह के उनको सोया सत्कार देना है उस तरह से। जी नहीं, आज सिविल सर्जन सर नहीं थे, जिनके बदला में आज अनिल सर मिले। अनिल सर 2-3 बातें बोले कि जैसे डिलीवरी में तुम लोग का दवा जो लिखाता है पुर्जा में, जैसे जो दवा वहाँ उपलब्ध नहीं रहता है पुर्जा में लिखाता है, वो पुर्जा का एक दान पेटी हम बना देंगे, वो दान पेटी में डाल देना और एक पुर्जा बाहर चला, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी कि जब ये दवा उपलब्ध नहीं था तो ये कैसे हुआ, यही सब हुआ था। लेकिन हम लोग का यही कहना है कि हम लोग को जो गाइडलाइन ऊपर से आई हुई है वो गाइडलाइन मुताबिक यहाँ सारा काम होना चाहिए, और नहीं होगा तो हम लोग ये चीज को आगे तक बढ़ाएंगे, मुख्यमंत्री तक, स्वास्थ्य मंत्री तक, जहाँ तक हम लोग को जाना होगा वहाँ जाएंगे। कहा जा रहा है कि सिर्फ सहिया को दलाल कहा जा रहा है, दलाल के नाम से हर जगह अब उसी व्यू से हर कोई देख रहा है। अच्छा, ये मतलब बताइए कि डिलीवरी वार्ड तक जो खाना बनाता है वो क्यों पहुँचता है, जो चाय बेचता है वो पहुंच जाता है, उसका क्या काम है? उसको डिलीवरी वार्ड तक जाना है या उसको खाना बांटना है? जो झाड़ू पोछा लगाती है वो लोग दवाई पुर्जा लेके बाद दुकान तक चली जाती है, ये क्या नियम है? ये सब के बारे में तो हम लोग को होना चाहिए। निजी हॉस्पिटल में हम लोग ले ही नहीं जाते हैं, जितना सुविधा मिलते हैं सरकार की तरफ से जो भी है जो उपलब्ध होता है वहां से होता है, और जो बाहर का लिखा हुआ रहता है
और जो भी उन लोग किसे पूछ के ही उन लोग को दिलाया जाता है, नहीं तो अन्यथा नहीं, बस उन लोग को समझा दिया जाता है जो यहाँ है आयरन कैल्शियम जो भी है वो यही से उपलब्ध है, आपको यही से लेना है, आपको यही दवा चलेगा।